गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अश्विनी। आवाज आ रही है? बाकी लोगों का वेट करते हैं। गुड। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो 2018 का बायोलॉजी का पेपर था, उसमें जो पोर्शन जो कल ली सर ने करवाया था, उससे आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। स्पेशली वो पोर्शन जो जूलॉजी का है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा सा क्लासिकल जूलॉजी है और डेवलपमेंटल है। गुड इवनिंग निशा। गुड इवनिंग सैम। तो स्टार्ट करते हम अपने पहले क्वेश्चन से। गुड इवनिंग नीट बायोलॉजी। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, तब तक काफ़ी सारे लोग जुड़ते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग का नीट बायोलॉजी मेरा इंट्रोडक्शन जल्द ही मिल जाएगा आपको। एक बार ये क्लास लें, फिर डिटेल इंट्रोडक्शन हम देंगे आपको। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, होपफुली आप लोग भी एंजॉय करोगे और साथ में परफॉर्म करोगे, साथ में आपका नॉलेज टेस्ट भी इसमें करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, मेमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम टू मिनिमाइज हीट लॉस। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि जो कोल्डर रीजन के जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनमें कान और लिम्स छोटे होते हैं कंपेरेटिवली हॉट क्लाइमेट के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। निशा, रवि, वेरी गुड, नाइट स्टार्ट। अश्विनी, रवि, एलन रूल, वेरी गुड। तो ये डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें एलन रूल से। हालांकि इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो लमार्क थ्योरी थी, वो टोटली हमें पता है कि वो थ्योरी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस करेक्टर के बेसिस पर थी, या फिर यूज और डिसयूज जो थ्योरी थी वो थी। साथ में जो मेंडल्स लॉज थे, वो भी हेरिडिटरी को लेकर थे। मेंडल ने अपने नियम दिए थे। लिबिग लॉ हम जानते हैं कि लॉ ऑफ मिनिमम में काम में लेते हैं, के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर एलन रूल होगा। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ध्यान से दिमाग लगाकर बताइए। पेरिपेटस हैज जॉइंटेड लेग्स। पेरिपेटस एक ऐसा एनिमल है जिसकी लेग्स जॉइंटेड होते हैं। क्या ये बात सही है? पेरिपेटस क्या होता है? पेरिपेटस एक कनेक्टिंग लिंक होता है, हमें पता है। फाइलम ओनाइकोफोरा से ये बिलोंग करता है। इसमें लेग्स के 14 से 43, 14 to 43 अनसेगमेंटेड जॉइंट होते हैं। अनसेगमेंटेड लेग्स होते हैं, और जो लेग होते हैं वो स्टम्पी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। कपिल वर्मा, गुड इवनिंग।
और कोई जो मुझे अगले स्टेटमेंट के बारे में बताए कि बॉडी कैविटी ऑफ एसिलोमेट्स इज फिल्ड विथ बोट्राइडल टिश्यू, कि जो एसिलोमेट होते हैं उनमें उनकी बॉडी कैविटी में बोट्राइडल टिश्यू होता है। सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि बोट्राइडल टिश्यू जो है वो किस में होता है। कोई बताएगा कि बोट्राइडल टिश्यू किन एनिमल्स की बॉडी कैविटी में देखने को मिलता है? एनीवन क्विक बताइए बताइए। चलो मैं बताता हूं, बोट्राइडल टिश्यू जो होता है वो हिरुडिनेरिया में होता है। हिरुडिनेरिया की जो बॉडी कैविटी होती है वो बोट्राइडल टिश्यू से भरी होती है, और जो हिरुडिनेरिया होता है वो फाइलम एनिलिडा का मेंबर है, और फाइलम एनिलिडा मुझे नहीं लगता वो एसिलोमेट्स में है, वो ट्रू साइजोचिलस उनकी सिमेट्री होते हैं। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी कैसा होगा, गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि कोरल्स एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए कोरल्स में पॉलीमॉर्फिज्म होता है क्योंकि हमें पता है कि कोरल्स में एक स्टेज होती है, एक जूइड होते हैं जिनको पॉलिप कहते हैं, इनको पॉलिप भी कह सकते हैं, हाइड्रेंथ भी कह सकते हैं, हाइड्रेंथ भी कह सकते हैं। साथ में एक और जूइड इनमें होता है जिसको मेड्यूसा कहते हैं। साथ ही साथ इनमें गोनेंजियम भी एक स्टेज होती है, गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल। तो कई कोरल्स ऐसे होते हैं जिनमें एट ए टाइम ये तीनों ही जूइड मौजूद रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोरल्स एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये स्टेटमेंट जो तीसरा है वो सही है। चौथा क्वेश्चन अपने पास है, स्टेटमेंट अपने पास है, सिलोम इज रिड्यूस्ड इन मोलस्का, कि जितने भी मोलस्कन होते हैं उनकी गुहा जो होती है वो रिड्यूस रहती है। ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि मोलस्का की जो सिलोम होती है उसमें पेरिकार्डियल कैविटी और उसकी जो गोनेडियल कैविटी और जो किडनी होती है वो उस मेसोडर्मस स्पेस को घेरे रखती है, जिससे जो सिलोम होती है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। तो इसका आंसर होगा तीसरा और चौथा, पिछले एग्जाम में इसको आरपीएससी ने डिलीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर जूलॉजी के लिए बेस्ट पकनीसा आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए, फिर हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। दीपाली गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से फाइला का क्लासिफिकेशन उनकी स्कल कैविटीज के बेसिस पर होता है, इसका आंसर बताइए कि कौन सा फाइलम है। देखो डेफिनेटली ये कोई वर्टिब्रेट फाइलम है क्योंकि ऑप्शंस में हमें सारे के सारे वर्टिब्रेट मिल रहे हैं। तो वर्टिब्रेट में कौन से ऐसा ग्रुप होगा, कौन सा ऐसा क्लास होगी जिसका क्लासिफिकेशन स्कल कैविटी के बेसिस पर होता है। रवि थ्री रेप्टिलिया, वेरी गुड, डेफिनेटली ये रेप्टिलिया ही होंगे। स्कल कैविटीज जो होती है डेफिनेटली हम देखते हैं कई जो स्कल्स होते हैं रेप्टाइल्स के उनमें ठीक कुछ ऐसे स्कल्स होते हैं। उन स्कल्स में एक ऑर्बिट होता है जिसमें आंख स्थित होती है, लेकिन साथ ही साथ इस ऑर्बिट के अलावा एक और कैविटी होती है जिसको सुप्रा टेम्पोरल फोसा बोलते हैं, सुप्रा टेम्पोरल फोसा। और इस सुप्रा टेम्पोरल फोसा की प्रेजेंस पर, जैसे मान लो कि कई एनिमल्स जो रेप्टिले से बिलोंग करते हैं उनमें एनेप्सिड टाइप का स्कल कैविटी होती है, दैट मीन कि उनमें सुप्रा टेम्पोरल फोसा अनुपस्थित होता है, तो एनेप्सिड हो गए वो, एनेप्सिड एनेप्सिडा। और एनेप्सिडा का एग्जाम्पल्स होते हैं चिलोनियन,
चिलोनियन कौन कौन होते हैं, जिसमें टर्टल्स होते हैं, टॉर्टोइज़ होते हैं। दूसरे वो क्लास सब क्लास जिनमें सुप्रा टेम्पोरियल फोसा या तो फ्यूज्ड रहती है या दो होती है, वो दोनों ही क्लासेस पैरापसिडा और सिनेप्सिडा कहलाई। और ये दोनों ही जो एनाप्सिडा और पैरापसिडा थे वो दोनों ही रेप्टाइल्स के सेंस में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और जो सिनेप्सिड्स होते हैं उनका ओरिजिन अभी भी बर्ड्स में चलता है। तो फिर बचा कौन, फिर एक और बचा डायप्सिडा। वो डायप्सिडा में क्या होगा, उनमें आते हैं सारे के सारे बचे हुए रेप्टाइल्स, जिनमें स्पिनोडोन आता है, जिनमें क्रोकोडाइल्स आते हैं, स्नेक्स आते हैं, लिजर्ड्स आते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा अपने पास, थ्री। शकील शेख नजीम अलक, थ्री, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन, मेमल्स के सेंस में कौन सा करेक्टर निम्न में से सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं, ऑल द मेमल्स आर विवीपेरस। क्या सभी मेमल्स विवीपेरस होते हैं? देखो जो मेमल क्लास होती है उसमें दो तरह के मेमल्स होते हैं, दो तरह के मेमल्स होते हैं, प्रोटोथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में मोनोट्रीम्स आते हैं, और सारे के सारे जो मोनोट्रीम्स आते हैं जिसमें इकाइडना आता है, स्पाइनी एंट ईटर आते हैं, वो कैसे होते हैं, वो पेरस होते हैं। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो ही क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन हो किसी का बीच में तो इंटरप्ट करे ना। अश्विनी आनंद, ऑप्शन थ्री, वेरी गुड। अभी और बात करता हूं मैं आगे। डकबिल प्लेटिपस इज मार्सुपियल। डकबिल प्लेटिपस जो होता है वो मार्सुपियल नहीं होता है, वो प्रोटोथीरियन होता है, मोनोट्रीम में आता है, तो ये भी गलत है। मार्सुपियल्स में तो कोयला आता है, कैंगरू आता है। All the eutherians have external ear pinna। देखो ये ear pinna की बाहरी जो कर्ण होता है वो कान की उपस्थिति सारे mammals की property होती है। All the eutherians have external pinna, बिल्कुल सही बात है, ये statement इस question के संदर्भ में correct मानेंगे हम। चौथा है, all the aquatic mammals live in oceans, कि सारे के सारे जो aquatic mammals होते हैं वो oceans में रहते हैं, महासागरों में रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई ऐसे mammals भी होते हैं जो aquatic water में भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे otters हो गया, manatees हो गया, hippopotamus हो गया, dolphins होती है, seals होती है, तो चौथा भी इसमें हमें सही मिलेगा। चौथा गलत हो गया, सॉरी, चौथा गलत हो गया, तो इस सेंस में तीसरा सही होगा। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को गलत माना था, डिलीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एज मेट विद इन किंगडम एनिमेलिया अलोंग विद देयर एग्जांपल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, एनालिड्स और इकाइनोडर्मिस में। एनीबडी, इसमें इनकरेक्ट पेयर हमें ढूंढना है। एनीबडी, देखिए स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल बिल्कुल होता है, सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल बिल्कुल होता है, साथ ही काइनोडर्मेट्स में ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल होता है, लेकिन एनालिड्स में ऑर्गन लेवल नहीं होता। वेरी गुड रवि, अश्विनी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं? प्लेकोइड स्केल की उपस्थिति किस प्रकार की फिशेस, किस प्रकार की मछलियों में होता है?
इलास्मोब्रैंक्स में होता है, कि टेलियोस्ट फिशेज में होता है, कि डिप्नोई में होता है, कि लेटिमेरिया में होता है। अनिंदिता गाजी 3, शायद आप पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। प्लेकोइड स्केल की उपस्थिति कॉन्ड्रिक्टीज जो फिशेज होती है उनमें होती है, जितने भी सार्क होती है, सार्क्स होती है, रेज होती है, स्केट्स होती है उनमें होती है, साथ ही काइमेराज में भी होती है, काइमेराज में भी। ये चारों के चारों इलास्मोब्रैंक फिशेज हैं और इलास्मोब्रैंक फिशेज में प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, टेलियोस फिशेज में सालमन वेलोगो वगैरह आते हैं, इसमें टीनोइड साइक्लोइड रोम्बोइड गेमोइड जो फिश जो स्केल्स के टाइप है वो मौजूद रहते हैं। डिप्नोइ में हम पढ़ते हैं जितनी भी लंग फिशेज होती है, लेपिडोसायरन प्रोटोटेरस और नियोसिरोडेटस वो आती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है? Which one of the following has no intermediate host? Plasmodium, tapeworm, roundworm, liver fluke. Anybody please? कोई भी problem हो तो please share करें। निम्न में से किस में intermediate host नहीं होते हैं? देखो, जो होस्ट होते हैं किसी भी पैरासाइट्स के, दो प्रकार के होस्ट होते हैं। एक डेफिनेट होस्ट होता है जिसमें उस पर्टिकुलर पैरासाइट की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, जबकि जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं उनमें उस पैरासाइट की असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट होती है। तो प्लाज्मोडियम में बिल्कुल होती है, प्लाज्मोडियम में ह्यूमन होता है इंटरमीडिएट होस्ट। वहीं टैपवर्म में जो पिग्स होते हैं वो होते हैं, लीवर फ्लूक में लिमनिया ट्रंकुलाटा होता है, स्नेल होता है, लेकिन राउंड वर्म में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होते हैं। राउंड वर्म जो गोल कृमि होता है वो सीधा ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन में ही दोनों स्टेजेस चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का इज नॉट यूज एज फूड बाय मैन, कि कौन सा मोलस्क ऐसा होता है जिसको आदमी ह्यूमन खाने में काम में नहीं उपयोग में लेता है? ऑयस्टर, कटलफिश, टेरिडो या मूसल्स? एनीबडी? पर्ल ऑयस्टर, कटलफिश, सीपिया जिसको बोलते हैं, टेरिडो या मूसल्स? ऑयस्टर को भी काम में लेते हैं, कटलफिश को भी काम में लेते हैं, मूसल्स को भी काम में लेते हैं, लेकिन टेरिडो को काम में नहीं लिया जाता। ये कहलाता है सिपवर्म, इसको वुड बोरिंग मसल्स भी मोलस्क भी कहते हैं, वुड बोरिंग मसल मोलस्क। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विच इज फॉलोइंग इंसेक्ट इज नॉट ए पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन? स्टोर्ड ग्रेन का कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो स्टोर्ड ग्रेन पर फीड करते हैं? आंसर ने पूछा है कौन सा नहीं करता है। उर्मिला 3, पायरिला बिल्कुल सही है। ट्राइबोलियम होती है, वो रेड फ्लोर बीटल होती है, ये भी हमें आसपास हमें अपने घर में ही देखने को मिल सकती है, बीटल है। कैलेंड्रा होता है, उसको वीट वीविल बोलते हैं। साथ ही पायरिला होता है, वो पेस्ट होता है किसका, सुगर केन का, गन्ने का पेस्ट होता है। साथ में टेनेड्रो जो होता है वो कॉमन मील वर्म होता है। तो इस केस में जो पायरिला है वो स्टोर्ड ग्रेन का पेस्ट नहीं होता है, पायरिला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से आदमी में फाइलेरियसिस, जिसको एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं, हाथी पांव रोग भी बोलते हैं, वो मनुष्य में, ह्यूमन में कौन, किसके द्वारा कोज किया जाता है? वोचेरिया द्वारा, एनसाइक्लोस्टोमा द्वारा, टेपवर्म द्वारा, लिया लिवर फुक द्वारा? आंसर प्लीज। देखिए, जो लीवर फ्लूक होता है वो एक रोग करता है लोग के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसको फेसिलियोसिस कहते हैं, फेशियल हिपेटिका द्वारा खोज किया जाता है। अश्विनी वाम रवि वोचेरिया, बिल्कुल सही कह रहे हो। वही टैपवर्म से टीनियसिस होता है, एनसाइक्लोस्टोमा से इंटेस्टाइनल हुकवर्म डिजीज होती है, और वोचेरिया ब्रैंकोप्टाई वो एनिमल है जिसकी वजह से मेन आदमी में फाइलेरियसिस की बीमारी। अशरफ अली वोचेरिया वेरी गुड, शाबाश। अनिंगी टागाजी वन, उर्मिला वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following group of arthropods have two pair of legs? ध्यान देकर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। Two pair of legs in every segment of their trunk and have cylindrical body. बेलनाकार शरीर है उनका, सेगमेंट्स में बटा हुआ है, और हर एक सेगमेंट में टू पेयर ऑफ लेग्स है। ऑर्थोपोडा का मेंबर है, बताइए सेंटीपीड हो सकता है, मिलीपीड हो सकता है, प्रोन हो सकता है, या स्पाइडर हो सकती है, बताइए सप्तपदी, सहस्त्रपदी, झींगा मछली या मकड़ी? देखो सेंटीपीड और मिलीपीड जो होते हैं वो क्लास मेरियोपोडा के मेंबर होते हैं, ठीक है। क्लास मेरियोपोडा में, बिल्कुल रवि, मेलिपीड बिल्कुल सही आंसर है, अश्विनी बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा डिटेल बताता हूं कि सेंटीपीड और जो मिलीपीड होती है वो क्लास मेरियोपोड के मेंबर होते हैं, लेकिन क्लास मेरियोपोड में भी जो ओडर काइलोपोडा होता है उसमें सेंटीपीड्स को उसमें रखा गया है, काइलोपोडा में रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेग्स तो होते हैं, पैर में होते हैं, लेकिन एक सेगमेंट में सिर्फ एक ही लेग होता है, एक पैर एक तरफ, वन पेयर ऑफ लेग इन ईच सेगमेंट, ठीक है। वही दूसरी तरफ जो मिलीपीड होता है वो डिप्लोपोडा, ऑर्डर डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा का मेंबर होता है, और वहां क्या होता है टू पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं हर सेगमेंट में। प्रोन क्रस्टेशिया क्लास में डेकापोडा का मेंबर है, वहां तो हेड, कैरापेस, सिफ्लोथोरेक्स और एब्डोमेन होता है। स्पाइडर्स एरेक्निडा का मेंबर, एरेक्निडा क्लास का मेंबर है, और उसका जो ऑर्डर है वो एरेनी होता है, और इसमें चार पेयर होते हैं वॉकिंग लेग्स के। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंथेरिडीन ऑयल जो होता है वो निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? कैथेरिन्थस रोजियस के फ्लावर से, कैथेरिन्थस रोजियस के सीड से, या ड्राइड एलाइट्रा और बीटल्स, या फिश लीवर से? जो कैथेरिडीन ऑयल होता है ये एक मोनोटर्पेनॉइड होता है, जो मस्सा जो होता है मस्से को अलग करने के लिए, मस्से के इलाज में ये काम में आता है। राइट आंसर है ड्राइड एलाइट्रा और बीटल्स। ड्राइड एलाइट्रा बीटल्स के कुछ रूडिमेंट्री विंग्स होते हैं, उनकी मदद से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोसेकेराइड दैट कंप्राइज द मेजर पोर्शन ऑफ हनी, शहद में निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है?
बहुत ईजी आंसर है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज होंगे। फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज होती है, वही ग्लूकोज जो होती है वो एक एल्डो हेक्सोज होती है। गैलेक्टोज मिल्क शुगर होती है, तो ये हो नहीं सकती। माल्टोज एक डाइसेक्राइड होते हैं, ये नहीं हो सकती। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रवि, दीपाली, पवन, कीप इट अप, कीप इट अप। अश्विनी आनंद, वेरी गुड रवि। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल जेल थ्योरी ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा। अमीबा में, अमीबा के लोकोमोशन या गमन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल जेल थ्योरी दी गई थी, जिसमें अमीबा की जो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में एक डेफिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोलेशन और जेलेशन का, वो थ्योरी किसने दी थी? जेनिंग्स, पार्थोल्ड, डेलिंजर या हाइमन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। सोल जेल थ्योरी जो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में अमीबा में काम में ली जाती है, उस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? राइट आंसर है हाइमन। हाइमन ने सबसे पहले इसको फॉरवर्ड किया था, प्रपोज किया था, और इसको एलोबरेट जो किया गया था वो पेंटीन एंड मास्ट द्वारा किया गया था। मास्ट एंड पेंटीन ने क्या किया था, इस थ्योरी को एलोबरेट किया था, ठीक है, इस थ्योरी को अच्छे से बताया था, जिसमें सोलेशन और जेलेशन का फॉर्मेशन कैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के एकांतरण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिसार्क ऑफ ओबेलिया इज। ओबेलिया एक सिलेंट्रेटा का एनिमल है, और सिलेंट्रेट का एनिमल जो होते हैं उनमें जो एक्टोडर्म होती है वो पेरिसार्क बनाती है। हाइड्रेंथ या पोलिप के ऊपर वो हाइड्रोथिका बनाती है, जबकि गोनेंजियम पर वो गोनोथिका बनाती है। पेरिसार्क क्या होती है? काइटिनस लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म, कि एक्टोडर्म के द्वारा एक काइटिन की लेयर बनती है, या एक्टोडर्मस सेल लेयर होती है, या एक्टोडर्म मेसोग्लियन एंडोडर्म साथ में आते हैं, या सिर्फ एंडोडर्म की बनी होती है। रवि थ्री, एक्टोडर्म मेसोग्लिया एंड एंडोडर्म टुगेदर, नहीं, गलत हैं आप। पेरिसार्क और सिनोसार्क, एक्टोडर्म जो होती है वो पेरिसार्क होती है, और एंडोडर्म जो होती है वो सिनोसार्क होती है, और इस सिनोसार्क के अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। गुड रीना सी, काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाई एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के चारों तरफ ये काइटिन की लेयर बनाती है पेरिसार्क, जो जो ओबेलिया की जो हाइड्रेंथ कॉलोनी रहती है उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम में आती है। इनके ये जो पेरिसार्क होती है वो हाइड्रोथिका से ठीक पहले पेरिसर्कल एनुली बनाती है, जिसकी वजह से वाटर के मूवमेंट से एक स्वेविंग मूवमेंट, एक लहरा सकते हैं, अपनी जगह से नहीं हिल सकते लेकिन उनमें स्वेविंग मूवमेंट पाया जा सकता है, और वो उसमें हेल्प कौन करती है? पेरिसर्कल एनुली, और उसका फॉर्मेशन कौन करती है? पेरिसार्क करती है। तो ऑप्शन नंबर वन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा टीनिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें सबको पता है कि ऊ टाइप, वेजाइना, यूट्रस, ये तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट है, लेकिन सीरस सेक नहीं हो सकता। सीरस सेक एक्चुअली होता क्या है? टीनिया में वास डिफरेंस का एक पाउच के जैसा आउटर एंड होता है, पाउच आउटर एंड होता है, जिसमें मेल के कॉपुलेटरी ऑर्गन मौजूद रहते हैं।
काइटिन लेयर, हरी सुतार, वेरी गुड, नाइस अप्रोच कपिल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एस्केरिस, एस्केरिस में कितने टेस्टिस होते हैं, एक, एक जोड़ी, दो जोड़ी या कई। हरीश, मेनी आंसर नंबर फोर। एनीबडी कोई ट्राई करना चाहेगा? एस्केरिस में हमेशा एक टेस्टिस होते हैं, चांदनी ज्यादा चारमेनी नहीं होते हैं, चांदनी एक ही टेस्टिस होता है, इसलिए टेस्टिस को मोनोआर्किक कंडीशन कहते हैं, जबकि टेस्टिस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं वो दो होते हैं, इसलिए जो ओवरी होती है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हमेशा डाइडेल्फिक कहलाता है। टेस्टिस में मोनोआर्किक होगा जबकि ओवम में ये डाइडेल्फिक होगा। वेरी गुड शेख, नजीम, हरीश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द सर्कुलर मसल ऑफ फेरिटिमा बॉडीज वॉज कंटेंट विच ऑफ द पिगमेंट, फेरिटिमा पोस्तुमा केचुआ एस्केलमेंटीज, सॉरी फेरिटिमा एनिलिड होते, इनकी जो सर्कुलर मसल होती है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, पोर्फायरिन, क्लोरोक्रोरिन, हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन। सर वो पहले पिछले क्वेश्चन का आंसर था, वेरी ओके ओके ओके। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि फेरिटिमा की बॉडी में दो तीन टाइप की मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडल मसल्स होती है और ओब्लिक मसल्स होती है। इनमें जो सर्कुलर मसल्स होती है उनमें एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट का काम क्या होता है वो बता देता हूं मैं। उस पिगमेंट का काम होता है कि जो भी ब्राइट लाइट आती है, ब्राइट लाइट से प्रोटेक्शन दिलाता है फेरिटिमा को, इसीलिए फेरिटिमा हमेशा नॉक्टर्नल होते हैं, डायर्नल नहीं होते, रात में ही एक्टिव रहते हैं। शेख नजीब आंसर इज फोर, हीमोसाइनिन नहीं, गलत है, वो पिगमेंट है पोर्फायरिन, ध्यान रखिएगा। मनीष, पोर्फायरिन, वेरी गुड। एल के फर्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is peritropic membrane present in periplanata? Periplanata americana, तिलचट्टा, cockroach में जो peritropic membrane होती है वो कहां पाई जाती है, कहां पाई जाएगी ये आपको बताना है, करती क्या है, बनती कैसे है वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, करती क्या है वो बताता हूं। ये जो गिजर्ड होते हैं, गिजर्ड होता है जो फेरिटिमा में, गिजर्ड से समझ गए कि वो इंटेस्टाइनल एक पार्ट है, गिजर्ड में स्टोमोडियल वाल्व होते हैं, स्टोमोडियल वाल्व वहां से सिक्रीट होती है। ये जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन्स है ये मिडगट की जो इनर लाइनिंग्स है उनको एब्रेशन से बचाती है और इनका गिजार्ड का जो स्टोमोडियम वॉल्व होता है वहां से सिक्रेट होती है, कहां पाई जाएगी, मिडगट में। देखिए इन क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अगले एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आप लोग सीरियसली लोगे जूलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सुतार उर्मिला, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवरी ग्लैंड्स इन राना टिग्रीना, राना टिग्रीना होप्लोबेट्रिकस टाइग्रिनिस इसका नया नाम है, पहले रेनेडी फैमिली होती थी, अब इसको डिक्रोग्लोसिडी फैमिली बोलते हैं, अन्यूरा ऑर्डर का मेंबर है। राना टिग्रीना में सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती है, जागृति,
वन पेयर, सॉरी वन पेयर है, यहाँ वन पेयर लिख सकते हैं, वन पेयर, एक जोड़ी के दो जोड़ी की बिल्कुल नहीं या है ही नहीं। हेलो सर, हाउ टू एनरोल फॉर एट बेच ऑफ आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी। आपके कमेंट सेक्शन में आपको आईएफएस आरपीएससी से एक मैसेज अपीयर हो रहा है, एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं जागृति, और वहां से आप आगे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। राणा टिकरिना में सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रैबिट में नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रैबिट में नहीं होता है? रैबिट में सिस्टमिक आर्च होते हैं, जो सिस्टमिक आर्च होते हैं, राइट और लेफ्ट सिस्टमिक आर्च, उसमें सिर्फ एक ही होता है, राइट सिस्टमिक आर्च ही होता है, सॉरी ये नहीं होता, नोट एब्सेंट है, तो इसका मतलब प्रेजेंट पूछा है मैं, राइट सिस्टमिक आर्च इनमें नहीं होता है, साथ में रीनल पोर्टल सिस्टम कभी भी मेमल्स का करेक्टर नहीं होता है, और कैनाइन टीथ भी नहीं होता है रैबिट में, इसके बजाय इंसाइजर टीथ होते हैं जो रेगुलरली थ्रू आउट इनमें बढ़ते रहते हैं, तो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च इनमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेबस को पेपर टू कन्वर्टेड इन ऑनलाइन कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल अक्षी रावत, बिल्कुल सारा सिलेबस जो है पेपर टू का वो भी कवर करेगा। तरुणा फर्स्ट, मनीष माथुर फर्स्ट, रवि कुमार, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेन्स आर नॉट एसोसिएट विद रैबिट आइज। ध्यान में रखना है कि रैबिट जो खरगोश होता है उसकी आंख में या उसकी आंख के साथ वो एसेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें से कौन सी ग्लैंड है जो इनमें नहीं होती है, जवाब दीजिए। हरीश, सर सीधे यही पूछ लेते कि क्या होता है, ये आरपीएससी के क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नहीं है, हमें दिमाग लगाना है। देखो, आईलेसिस जो फॉलिकल होती है आईलेसिस की, वहां से मायोबियम ग्लैंड निकलती है, लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है वो टीयर सेक्रेट करती है, आईज को मोस्ट आईज और आईलिड्स को ये क्लीन रखती है, हार्डेनियर जो ग्लैंड होती है जो अपनी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, थर्ड जिसको बोलते हैं, ये थर्ड आईलिड होती है अंदर वाली, उसमें सेक्रेट होती है, लेकिन काउपर ग्लैंड्स कभी भी रैबिट के आई में नहीं होते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो मेल पेनिस के डोर्सल साइड में मौजूद रहती है। हरीश सुधार, व्हाट इज फीस फॉर कोर्स सर? सर हरीश, आप जो लिंक हमें दिया गया है या फिर हमारी वेबसाइट पर फ्री नंबर है, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, वहां पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता सकता हूं कि 8 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के। अक्षी रावत, ओके थैंक्स फॉर द इन्फो, आई वांट टू टेक एडमिशन दिस पेज, कैन यू प्लीज प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अक्षी, आप आईएफएस की वेबसाइट को फॉलो कीजिए, आपके लिए वहाँ इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। हरीश, मनीष, तरुणा, तरुणा बिल्कुल सही है, कॉपर ग्लैंड्स कभी भी रैबिट के आईज से रिलेटेड नहीं है, वो कॉपर ग्लैंड वो पेनिस के डोर्सल साइड में मौजूद रहती है मेल रैबिट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कुछ एंडोस्केलेटन जो बोन्स होती है उनके बारे में बताया गया है, और उस बोन में सुप्राट्रोक्लियर फोरामन है, नीमियल क्रीस्ट है, ग्लिनोइड कैविटी है, सिग्मोइड नॉच है, इनके बारे में बताया गया। हमें ये पता होना चाहिए
कि ग्लिनोइड कैविटी जो होती है वो पेक्टोरल ग्लैंड का हिस्सा होती है, जैसे पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा होती है, जैसे मैं बनाऊं तो कुछ ऐसे ऐसे पेक्टोरल गर्डल बनती है और यहां से ग्लिनोइड कैविटी होती है। इस ग्लिनोइड कैविटी पेक्टोरल, अपने जो कंधे की जो हड्डी है, बोन है, वो पेक्टोरल गर्डल होती है, और इस ग्लिनोइड कैविटी वो नॉच होता है जहां से ह्यूमरस कनेक्ट रहती है। ठीक है, जो नीमियल क्रेस्ट होती है वो हमेशा टीबियो फिबुला का पार्ट होती है। टीबियो फिबुला एक स्ट्रेट बोन होती है, साथ ही जो सिग्मोइड नोच होता है वो ह्यूमरस का पार्ट होता है, सॉरी सिग्मोइड नोच रेडियस अल्ना का पार्ट होता है, और सुप्रा टॉक्लियर फोरामेन जो होता है वो ह्यूमरस का पार्ट होता है। ये लगभग आपको ऐसी मिलेगी, तो यहाँ सुप्रा टॉक्लियर फोरामेन होते हैं जो इन इस बोन की एक नोच होता है जिसको हम सुप्रा टॉक्लियर फोरामेन बोलते हैं। तो इस सेंस में क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। आई वांट टू टेक एडमिशन, प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ ऑनलाइन कोर्स। बिल्कुल, आप लिंक दी नीचे, जो नीचे लिंक दिया गया उसको फॉलो करिए। सोनल दादा साहिब सर बेस्ट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सर। कपिल, वनी, तरुणा, हरीश, चांदनी, नहीं आंसर नंबर 1 है। चलो ये टिपिकल क्वेश्चन था, क्लास में हम इसको और डिटेल से आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज व्हेन प्रोस्पेक्टिव एरियाज ऑफ सरफेस इन द डेवलपिंग एम्ब्रियोस टेक इन फाइनल पोजिशन। ये आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि किसी भी एम्ब्रियो में, डेवलपिंग एम्ब्रियो में प्रोस्पेक्टिव एरियाज क्या क्या होना चाहिए, उन प्रोस्पेक्टिव एरिया का बनना का जो फाइनल पोजीशन है वो कौन सी स्टेज में आती है। क्लीवेज में आती है, विदलन में आती है, कोरक में आती है, गैस्ट्रुला में आती है या न्यूरुला में आती है। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। शोभा 2, रवि कुमार, गैस्ट्रुला, गुड। और कोई, ऑप्शन 3 इज गैस्ट्रुला, रवि, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला, विनी दास, गैस्ट्रुला, वेरी गुड, वेरी गुड। हमें पता है उर्मिला, शोभा, न्यूरुला। देखिए हमें पता है किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियोज की प्रोस्पेक्टिव एरियाज, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन, क्लीवेज के बाद में ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील के बाद में गैस्ट्रुला जो एपिबेली, एम्बोली और एपिबोली से बनेगा। एपिबोली में एक्टोडर्म क्या करेक्टराइजेशन होगा, जबकि एंडोडर्म में हम वेरियस टाइप के मूवमेंट्स पढ़ते हैं, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स पढ़ते हैं। और उनके बाद ठीक बाद में न्यूरुलेशन होगा, न्यूरुला स्टेज में, और न्यूरुलेशन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्गेनोजेनिक स्टेज होती है। ठीक है, तो इस आंसर का राइट आंसर अपने पास गैस्ट्रुला होगा। वेरी गुड चांदनी, तरुणा, मनीष, उर्मिला, नाइस, वेरी गुड। न्यूरुला फर्स्ट ऑर्गेनोजेनिक इवेंट होता है। फर्स्ट द फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग टेडपोल इज, फ्रॉग के टेडपोल की फंक्शनल किडनी कैसी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं उर्मिला, मैंने ही यही बात करी। टेडपोल में जो फंक्शनल किडनी होती है वो हमेशा प्रोनेफ्रोज होती है। जो आर्चोनेफ्रीज होती है वो कई प्रिमिटिव जो और एनिमल्स होते हैं, जैसे मिग्जीन हुआ, हैगफिश हुआ, इन इनकी लार्वल स्टेजेस में मिलती है। प्रोनेफ्रोज, लैम्प्रे, हैगफिश और टेड एम्फीबियन लार्वा इनमें मिलते हैं, जबकि मेटानेफ्रीज जो होती है वो फिशेस एंड एम्फीबियन में मिलते हैं। जब मेसोनेफ्रीज फिशेस और एम्फीबियन में बनते हैं, फिशेस एंड एम्फीबियंस में
एडल्ट में बनते हैं, जबकि मेटानेफ्रोज एडल्ट में बर्ड्स एंड मैमल्स में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच डेवलप बिटवीन सेरोसा एंड एम्नियन ऑन थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन इन चिक एम्ब्रियो, एक चूजे के एम्ब्रियो में तीसरे दिन सेरोसा और एम्नियन के बीच किस झिल्ली का फॉर्मेशन होगा? कोरियोन, योक्सिक, एलेंटोइस या अम्बिलिकल कॉर्ड? देखो एम्नियन और कोरियोन, इसका फॉर्मेशन एग में पहले दिन हो जाता है, योक्सिक पहले से अवेलेबल रहती है, एलेंटोइस का थर्ड डे पर शुरू होता है और चौथे दिन से चलता है, फोर्थ डे तक चलता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड लेटर स्टेज में 21 दिन का जो इनका इंक्यूबेशन होता है उसके लेटर एज में अम्बिलिकल कॉर्ड काम में आती है। शेख नजीम अल हकनी, सर प्लीज गाइड हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग आवर स्टडीज। सर इसके लिए हम अलग से सेशन लेंगे, कैसे मोटिवेटेड रहे वो पढ़िए जो आपको ज्यादा पसंद है। अगला क्वेश्चन, ग्रुप मैच करने हैं आपको, डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटा है और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है, और उन एनिमल्स की टाइप के बेसिस पर बताइए कि डिस्कोइडल, जोनरी, कॉटलिडरी और डिफ्यूज टाइप के जो प्लेसेंटा है वो कार्निवोर, कारपटेरा, पिग और डियर के कॉम्बिनेशन में कैसे रहता है। देखो कोई बताना चाहेगा, किसी भी प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई इसके बेसिस पर भी एनिमल्स को दो तरीके से बांट सकते हैं। उन दोनों टाइप में एक होते हैं नॉन डेसिडियस, जिसमें विली क्या करते हैं, मदर टिश्यू से इजीली हट जाते हैं, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। उस जो नॉन डेसिडियस टाइप के प्लेसेंटा होते हैं उसमें दो टाइप के प्लेसेंटा होते हैं, एक डिफ्यूज टाइप के जो बिल्कुल ऐसे ही पूरी बॉडी पर बिखरे हुए रहते हैं, विलाई जो होते हैं पूरी बॉडी पर डिफ्यूज रहते हैं, स्कैटर रहते हैं, पूरी सरफेस पर डिफ्यूज करके रहते हैं, और ऐसा हमें मिलता है पिग में, हॉर्स में, लमूर में। और ये जो डिफ्यूज टाइप का कंबिनेशन डी को 3 से जोड़ते हैं हम, या फिर जो दूसरी टाइप का जो नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा होता है वो कॉटिलिनिडी टाइप का होता है, जिसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रहती है और विलाइज जो होती है वो पूरी बॉडी पर अरेंज रहती है। इस टाइप का जो प्लेसेंटा होता है वो गोट, सीप, काउ, डियर इनमें होते हैं। तो कॉटनेडरी हो गया डियर्स में, जितना भी जोनरी होते हैं वो जोनरी हमें कार्निवोर्स में देखने को मिलते हैं, जबकि जो डिस्कोइडल होते हैं वो कायरोप्टेरन्स या ह्यूमंस में हमें देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा पहला। पासु कश्यप, गुड इवनिंग सर, एनीबडी एल्स? ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा? अगला क्वेश्चन, द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास, एक क्लास है जिसमें आपको मैं 1 से लेकर 10 तक गिनती बता देता हूं, तो उसका सबसे नीचे वाला वैल्यू और सबसे ऊपर वाला वैल्यू, उसका मिड, उसका एवरेज क्या कहलाएगा बताओ।
मिस्टर आदित्य गुड इवनिंग, बिल्कुल मिड पॉइंट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चंस में आता है। ए सर्कल इन विच सेक्टर्स रिप्रेजेंट्स वेरियस क्वांटिटी, एक सर्कल है जिसमें बहुत सारी क्वांटिटीज को दर्शाया जाता है और परसेंटेज के बेसिस पर निकाला जाता है। बताइए, हिस्टोग्राम होगा, पाई डायग्राम होगा, बार डायग्राम होगा या लाइन ग्राफ होगा। रवि पाई, वेरी गुड। उर्मिला फर्स्ट, शायद पहले का बताया, रवि मिड पॉइंट, बिल्कुल रवि सही कह रहे हैं, वो होगा पाई डायग्राम, ऐसा पाई डायग्राम होता है। इजी क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 10 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है सेंटीमीटर्स में और इनमें से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सूत्र होगा, यहां मैं आपको बताता हूं, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू एन माइनस वन, जहां x बार इनकी मीन वैल्यू है। इस क्वेश्चन में आप स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से निकाल सकते हैं। x माइन पहले, सबसे पहले हमें इनका मीन निकालना होता है, इन 10 वैल्यूज है उनको जोड़ो, 10 से डिवाइड करोगे तो एक मीन वैल्यू निकल कर आएगी। x वो है जो हमने यहां ये वैल्यूज दे रखी है, उन वैल्यूज में से उस पर्टिकुलर मीन को हमको माइनस में करना है, उनको स्क्वायर करना है, उनको स्क्वायर करना है और फिर डिवाइड कर देना है एन माइनस वन 9 से। तो ये वैल्यू लगभग 2 और 3 के बीच में आती है, 2.72 यहां से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है, एक तरफ हाइट दे रखी है सेंटीमीटर्स में, एक तरफ नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, हमें निकालना है मीन हाइट। तो मीन हाइट निकालने के लिए हमें हाइट को x मानना पड़ेगा और नंबर ऑफ पर्सन को फ्रीक्वेंसी मानना पड़ेगा, और अगले कॉलम में हमें fx निकालना है। fx निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स, और यहां से जो मीन वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एफ, ये समेशन ऑफ एफ हो गया। ठीक है, तो आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये मीन निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के संदर्भ में आपका क्वेश्चन आंसर आएगा 167.89 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में कोर्टशिप बिहेवियर के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। नॉट ट्रू, कोई आंसर देना चाहेगा? इस क्वेश्चन में जो बात करते हैं कि इट इज इंस्टिंक्टिव, बिल्कुल इंस्टिंक्टिव होता है। इट इज जेनेटिकली कंट्रोल, बिल्कुल ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड ही होता है। साथ ही मेल और फीमेल का सेम स्पीसीज का सिंक्रोनाइज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो पहली बात बोल रखी है वो है कि इट इज नॉट स्पीसी स्पेसिफिक, मतलब ये किसी स्पीसी स्पेसिफिक नहीं होता, ये बात सरासर गलत है। रवि फर्स्ट, उर्मिला फोर, उर्मिला फोर नहीं होगा, पिंकी फर्स्ट, बिल्कुल इट इज नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, ये गलत बात। किसी भी कोर्टशिप बिहेवियर की बात करें, कई सारे बर्ड्स में या कई सारे मेमल्स में ये हम देख सकते हैं, वो स्पीसीज स्पेसिफिक ही होती है कोर्टशिप बिहेवियर सेंस में। द स्पेशल न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म दैट रिलीज द बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू साइंस स्टिमुलस, देखिए साइंस स्टिमुलस के अगेंस्ट एक बिहेवियर
हम पढ़ते हैं कॉनराड लॉरेंस को, कॉनराड लॉरेंस को पढ़ते हैं, उन्होंने सबसे पहले फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की बात करी थी, और इन कॉनराड लॉरेंस ने किस बर्ड स्पीसीज पर अपनी स्टडी करी थी ये बताओगे आप लोग। कॉनराड लॉरेंस जो थे उन्होंने फिक्स एक्शन पैटर्न थ्योरी दी थी, और उसमें उन्होंने साइन स्टिमुलेशन थ्योरी को डिराइव किया था। जो कि एक इननेट रिलीजम मैकेनिज्म को बताती है। आंसर इज फर्स्ट, गुड, शाबाश, ग्रे लेग गूस थी वो। ग्रे लेग गूस तो अभी होती है, ग्रे गूस मान लो आप इसको, ग्रे गूस, ठीक है। ग्रे गूस में उन्होंने देखा था कि कई गूस मजर जो थी उनके जो नेस था उससे एग, उसके एग से बाहर चले गए थे किसी कारणवश, तो वो उनको अपनी चोट से एक फिक्स एक्शन के जरिए वापस अपने नेस्ट में ले आती है, तो वो एक साइन स्टिमुलस थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस थ्योरी को कॉनराड लॉरेंस ने इननेट मैकेनिज्म थ्योरी या फिक्स एक्शन पैटर्न बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बाइसन और गोड इज ऑल्सो फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो गोड होता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो लोगो है उस पर गोड की फोटो है, वो गोड जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं। गोड जो होते हैं वो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का ही एनिमल है, साउथ ईस्ट एशिया का ही एनिमल है। इंडिया में ये वेस्टर्न घाट्स में होता है, तो हमें पता है पोलैंड, फ्लोरिडा, ब्राजील, ये तीनों ही साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आते हैं, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन है, डेजर्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। राष्ट्रीय मरु उद्यान भारत में किन जगहों पर स्थित है, ये उत्तर बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन दो जिलों में फैला हुआ है, 31-62 किलोमीटर पर स्क्वायर उसका पूरा एरिया क्षेत्रफल है। रवि कुमार, जैसलमेर के आगे क्या है भैया, पिंकी फर्स्ट, जैसलमेर एंड बाड़मेर, बिल्कुल सही है, जैसलमेर और बाड़मेर में, जहां जैसलमेर में ये लगभग 1900 किलोमीटर पर स्क्वायर में फैला हुआ है, वहीं बाड़मेर में ये लगभग 1262 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स का वहां कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है, इन चीजों को अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an example of learning theory? निम्न में से कौन सी अधिगम लर्निंग थ्योरी नहीं है? इस केस में क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एरर, ऑपरेंट कंडीशनर और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, चारों की चारों क्या थी, लर्निंग थ्योरी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो पावलोव द्वारा दी गई थी, ऑपरेंट कंडीशन जो है वो बी एफ स्कीनर द्वारा दी गई थी, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी, जबकि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हल द्वारा दी गई थी, क्लार्क एल हल द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट किया है, चारों ही चारों लर्निंग थ्योरी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल, ये तो बता ही सकते हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या नोस्टाक, Anybody? Mycoplasma. None other than Mycoplasma. Very good, Ravi. Like Mycoplasma. Pinky.
वेरी गुड, माइकोप्लाज्मा ऐसा होता है जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होती है माइकोप्लाज्मा, PPLO जो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइकोप्लाज्मा ही होते हैं, और वो ह्यूमन में भी निमोनिया के लिए निमोनिया से इन्फेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन को भी। उर्मिला वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेजिनस जोन्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में कार्टिलेज के बने हुए जॉइंट्स होते हैं? तो इसमें आंसर नंबर पहला होगा बिटवीन टू वर्टिब्रीज, दो वर्टिब्रीज के बीच में। हालांकि जो नीज होती है उसमें हिंज जॉइंट भी होते हैं, कार्पल्स में ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, बिटवीन मेटाकार्पल सैडल जॉइंट्स होते हैं, नीज में भी हिंज जॉइंट्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में वर्टिब्रीज के बीच में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती, बताइए कौन सी होगी? एंडेंजर्ड होगी, थ्रेटन्ड होगी, एंडेमिक होगी या एक्सटेंट होगी? कौन सी स्पीसीज जो किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया में होती है बाकी कहीं नहीं पाई जाएगी? थ्री एंडेमिक, रवि वेरी गुड, चबास, द एंडेमिक स्पीसीज नन अदर देन, एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही होती है उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती। हीमोजोइन ए टॉक्सिन इज रिलीज इन द ब्लड आफ्टर रप्चर ऑफ आरबीसी इन विच ऑफ फॉलोइंग, कि निम्न में से किसमें आरबीसी के रप्चर होने से एक टॉक्सिन निकलता है हीमोजोइन, बताइए कौन से? टाइफॉइड में, मलेरिया में, फाइलेरिसिस में या स्मॉल पॉक्स में? बताइए, बिल्कुल सही, मलेरिया में, मलेरिया में ये हीमोजोइन बनाते हैं। जो हीमोजोइन होती है वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हीम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होते हैं कैंगरू काउलाज वगैरह होते हैं, वो उनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किससे संबंधित होता है? वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का भाग होते हैं, अडप्टिव रेडिएशन का भाग होते हैं, पैरेलल इवोल्यूशन के भाग होते हैं या कोई भी नहीं होता? आंसर प्लीज। मार्सुपियल्स जो होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी दिखाते हैं और अडप्टिव रेडिएशन भी दिखाते हैं, पैरेलल एवोल्यूशन नहीं दिखाते और नन ऑफ द दीज भी होता है, तो ये एग्जांपल भी पिछले साल डिलीट हुआ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिप विच ऑन विच चार्ल्स डार्विन ट्रेवल्ड राउंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड, चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज में बैठकर पूरी दुनिया की सैर करी थी? HMS Beagle, HL Hunley, द मे फ्लावर या टाइटेनिक? तो इस क्वेश्चन का पिंकी शेखावत एक HMS Beagle, बिल्कुल सही बात है, जो भी चार्ल्स डार्विन नेचुरलिस्ट होगा वो सबको ये पता होगा कि HMS Beagle ही वो जहाज था जिस पर बैठकर चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड और पूरी दुनिया की सैर करी थी। युवराज सिंह फर्स्ट, रवि, पिंकी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स में निम्न में से कौन सी टाइप की मसल्स पाई जाती है? यहां मैं बताता हूं आपको कि स्केलेटन मसल्स जो होती है वो हमेशा अपनी मसल्स पर, स्केलेटन मसल्स पर ही मौजूद रहेगी। कार्डियक मसल्स हमेशा हार्ट और पेरिकार्डियम कैविटी की जो मसल्स है वहां उपस्थित रहेगी, लेकिन जो स्मूथ मसल्स है वो हमेशा ब्लड वेसल्स की मसल्स बनाएगी। और स्मूथ वेसल्स, देखो स्मूथ वेसल्स यहां भी है स्मूथ, और स्ट्रेटेड वेसल्स यहां भी है, तो स्मूथ वेसल्स कभी भी स्ट्रेटेड नहीं होती है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट युवराज सिंह, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हर्ट साउंड लब हर्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल थ्रू स्टेथोस्कोप इन एसोसिएट विद। हम जानते हैं कि हमारे हर्ट में दो टाइप के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, एक लब और एक डब, और दोनों ही साउंड जो होते हैं वो अपनी हर्ट से रिलेटेड जो वाल्व्स होते हैं उनके क्लोजर से ही होते हैं। एक बार में, एक साउंड में जो बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल्व है वो उनका क्लोजर होता है, जबकि दूसरे टाइप के साउंड में जो पल्मोनरी और आर्टरी वॉल्स होते हैं उनके क्लोजर में डेवलप होते हैं। इस केस में पिंकी सेकाओ थ्री जो लब साउंड है पहला, वो हमेशा जो मिट्रल वाल्व और ट्राइकप्सिड वाल्व होता है उनके बंद होने से बनता है। वेरी गुड पिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में हवा का निकलना और हवा का वापस आना, कितनी हवा बाहर जाएगी कितनी अंदर आएगी नॉर्मल रेस्पिरेशन में, वो क्या कहलाती है? इसका आंसर बताएंगे, नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो लगभग 500 ml की होती है, कि एक बार में हम 500 ml ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा टाइडल वॉल्यूम। युवराज सिंह पहला नहीं होगा, दूसरा होगा टाइडल वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है जो पैंक्रियास सिक्रीट करती है उसमें से निम्न में से कौन सा नहीं होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कोलेस्ट्रोल्स, फॉस्फोलिपिड्स या बाइल साल्ट? देखिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा बाइल जूस में नहीं पाया जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पिंकी सेखावत, युवराज वेरी गुड, उर्मिला वेरी गुड। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाइल जूस का हिस्सा नहीं होता। बाइल जूस में जो मेनली होते हैं वो वाटर होता है, कोलेस्ट्रोल्स होते हैं, लेसिथीन होती है जो फॉस्फोलिपिडी होती है, साथ में बाइल साल्ट्स होते हैं, साथ में बाइल एसिड्स भी होते हैं, सोडियम ग्लाइकोसेट होता है, सोडियम टोरोकोलेट होता है, साथ में कुछ कॉपर और कुछ एक्सट्रेटरी मेटल भी बाइल जूस का हिस्सा होता है। कविता वर्मा गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही मैच नहीं है? तो इसका आंसर होना चाहिए, ओवरी प्रोजेस्टेरोन करती है, टेस्टोस्टेरोन से एंड्रोजन्स निकलते हैं, आइलैंड ऑफ लिंगर हेंस ग्लूकागोन सिक्रीट करती है, लेकिन आर्टेरियल वाल्व ऑफ हर्ट सिक्रेटिन का सिक्रेशन नहीं करते हैं, वो हमेशा एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टाइड एएनपी सिक्रेट करती है। कविता वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है? यह बताइए। बिल्कुल रवि कुमार, ड्यूडेनम का हिस्सा। बताइए निम्न में से बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा कौन सा नहीं है? उर्मिला
रवि, देखिए 22 पे रिजर्व इंडिया में टोटल है 18, जो यूनेस्को द्वारा एस्टैब्लिश किए गई, ये थीम जो थी 22 पे रिजर्व की, ये यूनेस्को द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। इन्होंने एक कोर जोन बनाए थे, सबसे बीच में कोर जोन बनाया, फिर उसके बाहर बफर जोन बनाया, और उसके बाहर उन्होंने एंटरटेनमेंट जोन नहीं बनाया, मैनिपुलेशन जोन बनाया। तो जो कोर जोन होता था वहां सिर्फ ह्यूमन इंटरवेंशन जो था, ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि वहां ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता, प्रोहिबिटेड कि वहां कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता कोर जोन में। उसके बाहर की तरफ बफर जोन था, बफर जोन कहलाया, और बफर जोन वो जोन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और एजुकेशन एक्टिविटीज हो सकती थी। रिसर्च और जो एजुकेशन एक्टिविटीज है वो इस बफर जोन में हो सकती है। लेकिन जो मैनिपुलेशन जोन होता है बाहर का, उस मैनिपुलेशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकती है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एंटरटेनमेंट जोन जैसा कंसेप्ट कभी भी किसी 22 पर रिजर्व में अभी तक तो ऐड किया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी रिक्वायरमेंट में किस प्रकार के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, प्रोग्रामर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिस्टम ऑपरेटर या सभी, बताइए। इसका आंसर होगा सभी, प्रोग्रामर, कंप्यूटर जो एडेड इंस्ट्रक्शन में हमें प्रोग्रामर की भी जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर इंजीनियर की भी जरूरत पड़ती है, और सिस्टम ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज स्टेप ऑफ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच से संबंधित निम्न में से कौन सा स्टेप है, इसमें सिस्टम एनालिसिस भी होगा, सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट भी होगा, सिस्टम ऑपरेशन एंड इवेल्युएशन भी होगा, तो सारे के सारे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। और आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करेक्ट सीक्वेंस बताना आपको डेवलपमेंटल प्रोसेस का, डेवलपमेंट प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। उम्मीद करता हूं सारे के सारे जवाब देंगे। फर्टिलाइजेशन, जायगोट, ब्लास्टुला, मोरुला, क्लीवेज, गैस्ट्रुला, बहुत इजी क्वेश्चन है। रवि कुमार थर्ड, शेख नजीम थर्ड, रवि थर्ड, कविता थर्ड, बिल्कुल बिल्कुल सब सही है। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोसेस हमेशा फर्टिलाइजेशन से शुरू होती है, फिर जायगोट बनता है, उसमें फिर क्लीवेज होता है, क्लीवेज से मोरुला बनती है, कंदुक बहुन जिसको बोलते हैं, फिर ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है जो ब्लास्टुला बनाती है, फिर सबसे अंत में गैस्ट्रुला बनती है, गैस्ट्रुला बनती है जिसमें थ्री जर्म लेयर का डिफरेंशिएशन हो जाता है, उसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस बनती है जिसको न्यूरोलेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि सेशन में आपने बराबर पार्टिसिपेट किया। उम्मीद करूंगा कि जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आए होंगे, और कोई लास्ट में कोई क्वेश्चन जो कोई पूछना चाहे थैंक यू रवि।
इस जो 2018 का जो पेपर था, इस पेपर का तीसरा हिस्सा भी कल डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद 2015, 2013 और 2011 चारों पेपर हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो कल ही आप शाम को 5 बजे तैयार रहे, बाकी का सेशन भी कल लिया जाएगा। थैंक यू रवि, उर्मिला, कविता, पिंकी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स।
आप इस टीम एंड के हैं।